पाकिस्तान का तुर्की प्रेम जग जाहिर है। उसने पाकिस्तान का आंख बंद करके साथ निभाया है। भारत और पाकिस्तान के तमाम मसलों में वह हमेशा पाक के साथ खड़ा रहा है। मध्य एशिया में तुर्की इकलौता राष्ट्र था जिसने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, परंतु जिस वक्त पाकिस्तान ने सीरिया मुद्दे पर तुर्की का साथ दिया, उससे बहुत से लोगों को यही लगा कि पाकिस्तान कश्मीर पर तुर्की के सहयोग का कर्ज उतार रहा है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की की पाकिस्तान के साथ यह डील बिल्कुल नहीं थी, बल्कि पर्दे के पीछे तो खेल इससे भी कहीं अधिक गहरा चल रहा था, जिसका अब जाकर सच सामने आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने तुर्की को एटमी ताकत बनाने की घोषणा करके विश्व बिरादरी के कान खड़े कर दिए हैं। खासतौर से अमेरिका का पारा एकदम से गर्म हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एर्दोगन के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। संदेह किया जा रहा है कि परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। तुर्की से यह खबर ऐसे समय आई है जब उत्तर सीरिया में उसने उत्पात मचाया हुआ है। वहां कुर्दों की बाजत को लेकर अमेरिका चिंतित है। ऐसे में तुर्की की यह घोषणा अमेरिका को फिक्र में डालने वाली है। तुर्की के राष्ट्रपति के बयान के बाद वाशिंगटन में खलबली मची है। खास बात यह है कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स सवाल उठा रहे हैं कि जब तुर्की को सीरिया में कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सका, तो परमाणु बम बनाने से कैसे रोका जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि 15 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के परमाणु तस्कर अब्दुल कादिर खान ने कहा था कि उसने कुछ देशों को परमाणु तकनीक बेची है। हालांकि हाल में ही इसमें रूस का नाम भी सामने आया था कि वह तुर्की को परमाणु तकनीक बेच सकता है। ऐसे में जब एक बार फिर शक की सुई पाकिस्तान की तरफ घूम रही है। खास बात यह है कि तुर्की की घोषणा सामान्य नहीं है। उसने पिछले कुछ सालों में यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है। उसने रिएक्टरों पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही है। साथ ही तुर्की की परमाणु बम बनाने वाली कंपनियां अब्दुल कादिर खान को यूरोप से परमाणु सामग्रियां आयात करने में मदद भी करती रही है। पर बड़ा आरोप तो पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें सदैव दुनिया को मुसीबत में डालती रही है। उत्तर कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेच चुका पाकिस्तान अब अपना चौथा ग्राहक तुर्की को बनाने जा रहा है। माना जा रहा है तुर्की कई शर्तों पर पाकिस्तान का साथ देने को राजी हुआ है। इसमें सबसे ऊपर परमाणु तकनीक हासिल करना है। खबर ऐसी भी है कि इमरान खान के सत्ता में आते ही इमरान खान ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी थी। अगले महीने तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि इमरान खान तुर्की से परमाणु तकनीक के बदले भारी रकम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त आर्थिक मदद की दरकार है। दुनिया की संस्थाओं से उसे पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है। विदेशी निवेश भी पाकिस्तान में नाम मात्र को रह गया है। ऐसे में परमाणु तकनीक बेचकर इमरान खान पाकिस्तान के लिए धन जुटा रहे हैं। अमेरिका की चिंता भी पाकिस्तान को लेकर अकारण नहीं है। अमेरिका जानता है कि यह मुल्क किसी भी दृष्टि से भरोसे के काबिल नहीं है। यह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तुर्की की घोषणा ने जहां अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाई हैं, वहीं मध्य एशिया में घबराहट बढ़ रही है। पर तुर्की है कि वह भी पाकिस्तान की तरह ही दुनिया के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि तुर्की में भी लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। यहां भी पाकिस्तान जैसे ही हालात हैं। इसलिए जितना खतरा पाकिस्तान से एशिया के इस हिस्से में बना हुआ है, मध्य एशिया में भी तुर्की इसी भूमिका की तरफ बढ़ रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।